वेलकम टू माय हिंदी क्लासेस। आज हम लोग विशेषण के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि विशेषण की परिभाषा क्या है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। विशेष्य को आप संज्ञा भी कह सकते हैं। जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा, लड़का कैसा है? मोटा है। तो यहाँ मोटा विशेषण है तथा लड़का विशेष्य है, क्योंकि लड़के की विशेषता बताई जा रही है। वह सुंदर है, वह क्या है यहाँ पर? सर्वनाम है। और वह कैसी है? सुंदर है। तो सुंदर उसकी विशेषता है, तो इसे हम विशेषण कहेंगे। एक विशेष्य के साथ एक से अधिक विशेषण हो सकते हैं। जैसे समुद्री सर्प का जहर घातक किंतु कीमती होता है, तो सर्प क्या है? संज्ञा है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। और वह कैसा है? समुद्री सर्प है, तो यहाँ पर समुद्री विशेषण है। जहर घातक, यहाँ पर जहर संज्ञा है और घातक विशेषण है। कीमती होता है, कैसा होता है? कीमती होता है, तो कीमती यहाँ पर विशेषण है। एक विशेषण के साथ एक से अधिक विशेष्य हो सकते हैं। जैसे राम और मोहन ईमानदार हैं। राम और मोहन क्या है? संज्ञा है ना। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग, इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं और हिंदी में बोलते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध कराती है। तो राम और मोहन यहाँ पे संज्ञा है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना कि संज्ञा को विशेष्य कहते हैं। तो राम मोहन कैसे हैं? ईमानदार हैं। तो यहाँ पर उनकी क्या विशेषता बताई जा रही है? कि वे ईमानदार हैं, तो ईमानदार यहाँ पर विशेषण है। विशेष और विशेषण के आधार पर विशेषण को दो भागों में बांटा गया। पहला है विशेष्य विशेषण। जब विशेषण पहले व विशेष्य बाद में आता है तब उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। जब विशेषण पहले होगा संज्ञा से तो उसे विशेष्य विशेषण कहेंगे। जैसे सुंदर लड़की, तो यहाँ पर उसकी विशेषता जो बताई जा रही है सुंदर, तो वह पहले आया है संज्ञा के ना। हरा पेड़ मत काटो, पेड़ कैसा है? हरा है, उसे मत काटो, तो यहाँ पर विशेष्य विशेषण है। दूसरा है विधेय विशेषण। जब विशेष्य पहले और विशेषण बाद में आता है तब उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे टमाटर लाल है, तो लाल कौन है? टमाटर। तो यहाँ पर टमाटर विशेष है और लाल विशेषण है। विधेय विशेषण में जैसे मैंने बोला ना कि विशेष्य पहले और विशेषण बाद में, तो लाल बाद में आया है ना, तो यहाँ पर विधेय विशेषण है। आइए अब हम विशेषण के भेद के विषय में चर्चा करते हैं जो एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं, जिनके विषय में हमें मेनली अध्ययन करना है। तो विशेषण मूलतः चार प्रकार के होते हैं। आपके एग्जाम में यही विशेषण पूछे जाएंगे। वो तो मैंने आपको ऊपर विशेष और विशेषण के संबंध को समझने के लिए समझा दिया है, लेकिन आपको इन्हीं चारों पे फोकस करना है। पहला है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है परिमाण बोधक विशेषण। इसके लिए मैंने एक ट्रिक आपको दिया है। सर्वगुण संपन्न परि, सर्व से सार्वनामिक विशेषण, गुण से गुणवाचक विशेषण, संपन्न में सम जो है उससे संख्यावाचक विशेषण और परि से परिमाण बोधक विशेषण। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। सार्वनामिक विशेषण के विषय में आइए अब हम चर्चा करते हैं। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, अथवा वह सर्वनाम जो संज्ञा के पूर्व आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके नाम से ही जैसे क्लियर हो रहा है, सार्वनामिक विशेषण मतलब कि सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण। जैसे यह घर मेरा है, कोई बच्चा रो रहा है, यहाँ पर यह और कोई क्या है? सर्वनाम है, और ये उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। पुरुषवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम कभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं होते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं और वह
जो निजवाचक सर्वनाम है वे कभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं होंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं और निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ फिर से रिपीट करने की जरूरत है। निश्चयवाचक सर्वनाम सदैव सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जहां पर निश्चितता का बोध होता है वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है और ऐसे सर्वनाम सदैव सार्वनामिक विशेषण होते हैं। दूसरा है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके नाम से ही क्लियर है, गुण का बोध जहां पर होगा मतलब गुण बताएगा तो वो गुणवाचक विशेषण होगा। गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे काल बोधक, रंग बोधक, दशा बोधक, गुण बोधक और आकार बोधक। काल नाम से क्लियर हो रहा है, नया पुराना ताजा मौसमी प्राचीन ये सब काल का बोध करा रहे हैं ना। रंग बोधक कलर का जो बोध कराएंगे जैसे लाल पीला हरा नीला बैगनी जामुनी आदि। दशा बोधक मोटा पतला युवा वृद्ध गीला सूखा, ये किसी व्यक्ति की दशा को डिनोट करते हैं, जैसे वह व्यक्ति मोटा है, राहुल श्याम से बहुत पतला है, तुम अभी युवा अवस्था में हो, वे वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये उनकी दशा का बोध करा रहा है। गुण बोधक मतलब उनके अंदर कौन से गुण विद्यमान है, जैसे अच्छा भला बुरा कपटी झूठ सच्चा पापी न्यायी सीधा सरल, ये किसी की गुण का बोध कराते हैं ये सब शब्द ना, तो ये गुण बोधक के अंतर्गत आते हैं। आकार बोधक उसका आकार कैसा है, गोल चौकोर लंबा नुकीला सुडौल आदि, ये सभी आकार का बोध करा रहे हैं, जैसे वह वस्तु गोल है, वह चौकोर आकृति की वस्तु है, तो ये उसके आकार का बोध करा रहे हैं। मोटा लड़का सड़क पर गिर पड़ा, लड़का कैसा है, मोटा है, तो यह उसके गुण का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। राकेश कपटी लड़का है, राकेश कैसा लड़का है, कपटी लड़का है, तो यहाँ पर राकेश के गुण का ही बोध हो रहा है ना। आइए अब तीसरे विशेषण के विषय में अध्ययन करते हैं। तीसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही क्लियर है, संख्या का बोध कराने वाले विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। तो पहले हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के विषय में अध्ययन कर लेते हैं। जिसमें निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, मतलब निश्चितता का बोध होगा, जो संख्या होगी वो निश्चित होगी। प्रयोग के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं, गणनावाचक क्रमवाचक आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक। गणना मतलब एक दो चार आठ आदि, ये गणनावाचक है। क्रमवाचक पहला दसवां सौवां आदि, जैसे हम लोग कक्षा में जब किसी क्लास का जब रिजल्ट आता है तो ये बताते हैं ना कि कौन किस पोजीशन पे है, राहुल की कक्षा में पहली स्थिति है, कौन दसवें पे है, या किसी रेस में कौन बच्चा किस पोजीशन पे आया, तो ये उसका क्रम का बोध कराता है। आवृत्तिवाचक तिगुना चौगुना सौगुना। समुदायवाचक चारों आठों तीनों, इन शब्दों से जैसे समुदाय का बोध हो रहा है, चारों वहां पे चार लोग हैं तो ग्रुप का बोध हो रहा है इससे ना, तो यहाँ पर समुदायवाचक। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मोहन का कक्षा में पहला स्थान है, मोहन का कक्षा में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है, तो यह एक निश्चित क्रम का बोध करा रहा है। श्याम ने दो केले खाए, श्याम ने कितने केले खाए, दो केले खाए, तो यह निश्चित संख्या है। आइए अब हम अनिश्चित संख्यावाचक के विषय में अध्ययन करते हैं। इसमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कुछ आदमी चले गए, कितने आदमी थे यहाँ ये तो नहीं बताया गया ना, बस बताया गया कुछ आदमी थे, तो कुछ आदमी चले गए। कई लोग आए थे, कितने लोग आए थे, संख्या तो बताया नहीं, निश्चित संख्या, अनिश्चितता का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो कई लोग आए थे। सब कुछ समाप्त हो गया है, ठीक है, तो अनिश्चितता का बोध जहाँ पे होगा वहां पे अनिश्चित मतलब कि अनिश्चित संख्या का बोध जहाँ होगा वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। आइए हम चौथे और आखिरी विशेषण के विषय में अध्ययन करते हैं, परिमाण बोधक विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं।
मतलब कि मेजरमेंट यहाँ पे आ गया, आपके साइंस की लैंग्वेज में बोलें मेजरमेंट। अब आप ये आपके दिमाग में डाउट होना चाहिए कि संख्यावाचक और परिमाण बोधक में डिफरेंस कैसे हम करेंगे। संख्या में संख्या दी जा रही है, मापतौल की इकाई वहां नहीं बताई गई। जैसे मोहन ने 2 केले खाए तो 2 केले खाए वहां कुछ दर्जन जैसा शब्द नहीं लगा, ठीक है। लेकिन परिमाण बोधक में नापतौल की इकाई का प्रयोग होगा, संख्यावाचक और परिमाण बोधक में यही डिफरेंस है। इसमें भी 2 भेद होते हैं, जैसे संख्यावाचक में थे निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित जब होगा तो 10 किलो घी, 5 क्विंटल गेहूं, तो ये क्या है, उसका मेजरमेंट का इकाई यहाँ पे आ रहा है ना। अनिश्चित परिमाण बोधक जब होगा तो बहुत घी, थोड़ा दूध, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आई देख लेते हैं। फल वाले ने 20 किलो सेब बेचा, फल वाले ने कितने सेब बेचे, 20 किलो सेब बेचे। किलो क्या है, मेजरमेंट की इकाई है। श्याम मोहन से कुछ इंच बड़ा है, श्याम मोहन से कुछ इंच बड़ा है, इंच क्या है, ये भी लंबाई मापने की इकाई है। आइए अब हम प्रविशेषण के विषय में अध्ययन करते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रविशेषण मतलब निम्नलिखित वाक्य में से प्रविशेषण क्या है, तो आइए हम जानते हैं प्रविशेषण क्या है। वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहे जाते हैं। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, लेकिन प्रविशेषण तो विशेषण की भी विशेषता बतलाता है, ठीक है। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता नहीं है, बहुत तेज दौड़ता है, तेज की भी विशेषता जब बताई गई तो बहुत प्रविशेषण है। सीता अत्यंत सुंदर है, सीता कैसी है, सुंदर नहीं है, अत्यंत सुंदर है, तो यहाँ पर अत्यंत प्रविशेषण हो गया। तो आज विशेषण की क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू।